गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू टिल नाउ वी है डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी थीयर क्रोमेटोग्राफी पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड द कोलम क्रोमेटोग्राफी अभी तक हमने तीन तरह की क्रोमेटोग्राफी की डिटेल आपको बता दी है वो क्रोमेटोग्राफी कौन कौन सी थी पेपर टीएलसी और कॉलम नाउ इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द गैस क्रोमेटोग्राफी की गैस क्रोमेटोग्राफी होती क्या है एज द नेम सजेस्ट के इसके दौरान जो हम मोबाइल फेज लेंगे दैट मस्ट बी इन फेज 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 वो 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 के के अंदर अंदर होगा होगा जो सैंपल हो भी हमारा के अंदर ही हम लेते हैं तब वो हमारी कहलाती है गैस क्रोमेटोग्राफी गैस गैस क्रोमेटोग्राफी वो डिफरेंट टाइप भी हो सकती है अभी हम आपको बताएंगे कि वो क्या क्या हम चेंज कि वो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कैसे बनेगी लेकिन बेसिक जो डेफिनेशन है आपकी गैस क्रोमेटोग्राफी की वो क्या होगी ये डायग्राम है आपके सामने क्रोमेटोग्राम जो हमने दिखा रखा है गैस क्रोमेटोग्राम है कि किस तरह से हम गैस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को यूज करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर तो गैस क्रोमेटोग्राफी क्या है इट इज ऑल्सो एन एब्जोर्बेशन क्रोमेटोग्राफी विच इन्वॉल्व द साइमल्टेनियस आइडेंटिफिकेशन एंड द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट आप ध्यान रखें इसमें हमें साइमल्टेनियस हम आइडेंटिफाई भी करते रहते हैं

मोबाइल फेज और अनरिएक्टिव जो आपका मोबाइल फेज होगा और वो भी गैसियस फेज के अंदर ही होना चाहिए ड्यू टू द पार्टीशन ऑफ द कंपोनेंट बिटवीन द लिक्विड या सॉलिड जो आपका स्टेशनरी फेज होगा एंड द गैसियस मोबाइल फेज इज कॉल्ड एज द गैस क्रोमेटोग्राफी कहने का मतलब वही दो फेज जो मेन हमें रखने हैं बोलो कौन कौन से वन इज द स्टेशनरी फेज अदर वन इज द मोबाइल फेज तो आपका जो मोबाइल फेज है वो क्या होगा वो एक गैस होगी मोबाइल फेज क्या होगी यहाँ पे गैस पहली बात दूसरी चीज जो आपका स्टेशनरी फेज है वो क्या होगा वो या तो लिक्विड होगा या वो सॉलिड होगा उसके बाद जो हम सैंपल डालेंगे वो किस फॉर्म में होना चाहिए वो हम डालेंगे वेपर की फॉर्म के अंदर वो किस फॉर्म में डालेंगे इन द फॉर्म ऑफ वेपर फिर उसके बाद जो हम मोबाइल फेज है उसको हम कैरियर गैस भी कहेंगे यहाँ पे आप इस डायग्राम में नीचे देखें देखो हमने क्या ले रखी है दैट इज द कैरियर गैस देखो इसके अंदर इस कंटेनर के अंदर यहाँ पे यह कैरियर गैस है यहाँ पे उसके बाद हम क्या करते हैं सबसे पहले आपका जो कॉलम है वो ऑलरेडी पैक्ड मिलेगा आपको पैक्ड होगा कॉलम जिसके अंदर स्टेशनरी फेज होगा या तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा या सॉलिड फॉर्म के अंदर स्टेशनरी फेज पैक्ड होगा इन द कॉलम जो आपको ये की फॉर्म के अंदर दिख रहा है दैट इज द कॉलम 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 देखो ये ये रहा फिर इसके इसके ऊपर हमने जो ट्यूब है है की इसके एंड को कहां पे जोड़ रखा है, जहां पे हमने लिख रखा है इंजेक्टर और इस साइड से हमने लिख रखा है बोलो ये जो एक और हमने ट्यूब लगा रखी है यहां से बोलो क्या है कैरियर गैस कैरियर गैस किस स्पीड से आए हमारे पास ये फ्लो कंट्रोलर होता है कि किस स्पीड से हमें मोबाइल फेज हमने पास करना है मोबाइल फेज का फ्लो हमें चेकआउट करना है मोबाइल फेज यहाँ पे कैरियर गैस है इंजेक्टर हम देखो ऊपर से इंजेक्ट करते हैं देखो यहाँ से लेकिन अब होगा क्या होगा कुछ उसी टाइप से कि हम सबसे पहले क्या पास करेंगे कॉलम के अंदर से कैरियर गैस या आप ध्यान रखे मैं क्या कह रहा हूं सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल पास द कैरियर गैस कैरियर गैस आप पास करेंगे देखो जैसे आपको ये जाती हुई दिखाई दे रही अंडर मूवमेंट आपको दिख रही है कैरियर गैस जाएगी कॉलम के अंदर से और जाते जाते डिटेक्टर तक पहुंचेगी और डिटेक्टर तक पहुंचते ही साथ जो क्रम है उसमें कोई सिग्नल आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई वन सिग्नल आ गया फिर उसके बाद हम क्या करेंगे हमारे पास वहां पर स्क्रू होता है उससे हम क्या करेंगे जो ये सिग्नल आया उसको सेट टू जीरो कर देंगे करंट सेट टू जीरो तो सिग्नल डिमिनिश हो जाएगा फिनिश हो जाएगा मतलब हमने कैरियर गैस जो मोबाइल फेज की वजह से जो सिग्नल आना चाहिए उसके इफेक्ट को हमने जीरो करना होता है सबसे पहले हमने उसके उसके इफेक्ट को जीरो कर दिया ये तो मोबाइल फेज अब उसके बाद दूसरी चीज हमें ध्यान रखनी है मोबाइल फेज का फ्लो मोबाइल फेज के पास प्रॉपर टाइम होना चाहिए मोबाइल फेज मोस्ट द प्रॉपर टाइम टू स्टे इन द कॉलम बोलो कॉलम में क्यों क्योंकि जब हम यहां से लगातार कॉन्टिन्यूसली हम पास करते रहेंगे कैरियर जो गैस है मोबाइल फेज है उसका फ्लो कंटिन्यूसली रहेगा ऊपर से जो इंजेक्टर है यहां से हम साथ के साथ आपका सैंपल भी डाल देंगे बोलो यहाँ से हम क्या डाल देंगे बोलो इसके अंदर वी विल पास द सैंपल फ्रॉम हेयर और वो भी गैसियस फॉर्म के अंदर जब सैंपल हम पास करेंगे तो अब सैंपल क्या होगा जो सैंपल को एडजॉर्ब कौन कर लेगा कॉलम के अंदर जो स्टेशनरी फेज है वो इस सैंपल को क्या कर लेगा एडजॉर्ब को क्या कर लेगा एडजोर्ब हमने पास किया, को कर लिया गया बेंट, column, उसके बाद फिर हम पास क्या करते हैं कैरियर गैस जब हम कैरियर गैस पास करते हैं अब कंपटीशन चलेगा क्योंकि जो आपका स्टेशनरी फेज था उसने तो सैंपल के कंपोनेंटों को जो गैसियस था उसके कंपोनेंटों को एड्जोर्ब कर लिया अपने सरफेस के ऊपर इस ट्यूब के अंदर जो स्टेशनरी फेज था उसने अब हमने क्या पास किया इसमें कैरियर गैस मोबाइल मोबाइल नाउ क्या करेगा प्रोसेस जैसे हमने पहले टीएलसी पेपर कॉलम क्रोमेटोग्राफी में भी आपको बताया था कि जो स्टेशनरी फेज और जो मोबाइल फेज होता है उसका जो मैकेनिज्म है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है दे ऑलवेज एक्ट इन द काउंटर करंट मैनर मीन्स स्टेशनरी फेज के ऊपर तो एडजोर्प्शन प्रोसेस चलती है और मोबाइल फेज फिर डिजोर्प्शन करवाता है तो वो सब्सटेंस आपके सैंपल के अंदर वो कंपोनेंट विच इज वीकली एड्जोर्ब ऑन द सर्फेस ऑफ द सर्फेस ऑफ द स्टेशनरी फेज फर्स्ट ऑफ ऑल विद द कैरियर गैस वो कैरियर गैस के साथ सबसे पहले कोलम से बाहर निकलेगा और डिटेक्टर तक पहुंच जाएगा डिटेक्टर तक जब वो पहुंचेगा फिर हम उसको एम्पलीफाई कर देंगे वो सिग्नल आ जाएगा क्रोमेटोग्राम के अंदर जो सिग्नल आएगा वो आपका उस कंपोनेंट का सिग्नल होगा मीन्स आपका कंपोनेंट आना शुरू हो गया जो वीकली एड्जोर्व कम्पोनेंट था सबसे पहले आना शुरू हो गया कैरियर गैस की वजह से कोई सिग्नल नहीं आएगा क्योंकि कैरियर गैस हमने सबसे पहले पास की थी और उसकी वजह से जो सिग्नल आया था उसके इफेक्ट को हमने पहले ही जीरो कर दिया था उसके बाद फिर धीरे धीरे जो उसके बाद जो थोड़ा स्ट्रॉन्गली एडजोर्व था कुछ देर के बाद वो कंपोनेंट आना शुरू होगा पहले एक सिग्नल आएगा फिर सिग्नल आने बंद हो जाएंगे फिर दूसरा सिग्नल आएगा एंड सो ऑन तो हर सिग्नल का आना ये रिफ्लेक्ट करेगा ये बताएगा कि हाँ नेक्स्ट कंपोनेंट आना शुरू हो गया है कैरियर गैस तो मीन्स हमें इस टाइप से नंबर ऑफ कंपोनेंट का भी पता चलता है

फर्स्ट वर्ड वही गैस गैस किसके लिए मोबाइल फेज के लिए और लिक्विड किसके लिए स्टेशनरी फेज के लिए कॉलम के, के अंदर जो हमने पैक किया अगर वो स्टेशनरी फेज लिक्विड फेज के अंदर है तो वो कहलाती गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी फिलहाल जो अभ, अभी हम यहां पे देखने वाले हैं वो हम कौन सी देखेंगे पार्टीशनिंग ऑफ द दैट आपकी जो सैंपल की जो गैस है उसकी किसके बीच होगी आपकी कैरियर गैस होगी और आपका लिक्विड हम लेंगे होलो कॉलम के अंदर किसको भर देंगे हम लिक्विड के अंदर हम सोलिड भी ले सकते हैं सोलिड लें तो जीएससी लिक्विड लें तो जीएलसी जैसे हमने आपको भी बता दिया था उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि मोबाइल फेज कैसा होना चाहिए मोबाइल फेज ऐसा होना चाहिए जो कि जो सैंपल के जो कंपोनेंट है उनके साथ ज्यादा एफिनिटी रखता हो ताकि वो डिजॉर्बेशन की प्रोसेस को फास्ट करवा दे पहली चीज रिएक्ट बिल्कुल भी ना करे आपके कंपोनेंटों के साथ वो रिएक्ट ना करे उनके साथ रिएक्ट करके कभी कोई नया कंपाउंड ना बना दे ऐसा वो नहीं होना चाहिए अनरिएक्टिव मोबाइल फेज होना चाहिए कैसा होना चाहिए अनरिएक्टिव अनरिए मोबाइल फेज वो कौन हो सकता है वो जैसे कि हीलियम हो गया नाइट्रोजन गैस होगी क्योंकि ये हीलियम ग्रुप ग्रुपेटीन एलिमेंट है ये इनर्ट गैस होती है नाइट्रोजन भी इनर्टी नेचर होता है तो इस टाइप से ये डेफिनेशन आपकी बन जाती है गैस क्रोमेटोग्राफी की अब जो गैस क्रोमेटोग्राफी है इसके डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं जैसे जो डायग्राम है कंटिन्यूसली आपके सामने है अंडर मूवमेंट भी इसके अंदर आपको दिख रहा है कि कैसे प्रोसेसिंग चलती है तो इसके जो डिफरेंट पार्ट है वो क्या क्या सबसे पहला पार्ट इंजेक्टर देखो ये जो आपको दिख रहा है पार्ट नंबर वन देखो ये है इंजेक्टर यहाँ पे दैट इज द इंजेक्टर हम क्या करते हैं इंजेक्टर किससे कनेक्टेड आप ये देखें इंजेक्टर इज कनेक्टेड ऑन ऑन टू साइड वन साइड तो आपके मोबाइल फेज से

हर्ट होता है मींस ये जो स्टेशनरी फेज होता है वो यहाँ पे कॉलम है कॉलम के अंदर स्टेशनरी फेज को पैक किया जाता है और ये डिसाइड करता है सेपरेशन की एफिशिएंसी को मींस आपने जो कॉलम के अंदर जो एड्जोर्मेंट लिया है जो स्टेशनरी फेज लिया है चाहे वो आपने सॉलिड लिया हो चाहे वो लिक्विड लिया हो उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी एडजोर्शन की पावर अच्छी होनी चाहिए पहली बात जब हम सैंपल को पास करें तो उसकी एड्जोर्शन की पावर अच्छी हो और उसके बाद जब मोबाइल फेज आए मोबाइल कैरियर गैस आए तो उस वक्त वो इजिली उसको भी होने दे ताकि जो हमारे कंपोनेंट है वो इजिली डिजोर्व के हम उनकी सेपरेशन इजिली कर पाए तो ये कहलाता है कॉलम इज द हार्ट ऑफ द द्रोमेटोग्राफी विच एफिशिएंसी और जो कॉलम होता है ये किससे कनेक्टेड होता है बताओ कॉलम इज कनेक्टेड ऑन वन साइड विद द इंजेक्टर जिधर से इंजेक्टर हमने किया था जिधर से कैरियर गैस आ रही थी जिधर से आपका सैंपल भी एंटर करेगा और दूसरे एंड कनेक्टेड टू द इंजेक्टर थ्रू एंड टू डिटेक्टर थ्रू पहुंचेगी आपकी कैरियर गैस इनिशियली तो शुरू में तो कैरियर गैस ही पहुंचनी होती है डिटेक्टर तक और उस आपकी जो कैरियर गैस है उसका सिग्नल आना होता है और जो सिग्नल को हम सेट टू जीरो कर देते हैं सिग्नल को क्या कर देते हैं सेट टू जीरो उसी को कहते हैं कि हमने इंस्ट्रूमेंट को कर दिया जब कैरियर गैस को शुरू में हम पास करें और जब हम उसके सिग्नल को सेट टू जीरो कर दे मीन सिग्नल डिमिनिश कर दे वहां से स्क्रू को घुमा के वहां पे तो उस कंडीशन को कहते हैं नाउ द इंस्ट्रूमेंट गेट स्टैंडराइज, दैट इज कॉल्ड एज देशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे हमारे पास जो ये कॉलम है इसके अंदर हम क्या पैक करते हैं सिलाइट इज ए मटेरियल विच इज एक्टिंग एज ए स्पोर्ट जो कि स्पोर्ट का काम करता है स्पोर्ट का काम आपके कॉलम के अंदर स्पोर्ट का काम करेगा अब उसके ऊपर हम क्या डालते हैं विच इज एक्टिंग एज ए स्पोर्ट फॉर द नॉन वॉलेटाइल लिक्विड फेज एड्जॉर्ब किसके अंदर है वो इन साइड द कोलम जो कॉलम के अंदर हम इसको एब्जॉर्ब कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि जो चॉइस है हमारी स्टेशनरी लिक्विड फेज की वो किस बात के ऊपर डिपेंड करती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि वट काइंडल टू बी प्योरीफाइड हमें किस टाइप का मेटेरियल प्योरीफाई करना है एंड देशर ऑन विच दिम्पल मिक्सचर गेट वेपराइज के हमें क्या करना है हमें क्या चाहिए आपने देखा है ना कि जो कलम है आप बाहर से देखिए इसके देखो जैकेट लगी हुई आपको दिख रही होगी देखो ये देखो देट इज ए जैकेट अराउंड कोलम और ये जैकेट कोई और नहीं बाहर आपको लिखा दिख रहा है ओवन ओवन हमें यहां पे मेंटेन रखना है कॉलम का ताकि जो भी हमारा मिक्सचर आए जो मोबाइल फेज है वो भी गैसियस फेज में रहे हम हम जो भी बाहर से सैंपल डालें वो भी गैसियस फेज के अंदर रहना जरूरी है तो दो चीजों का गैसियस फेज में रहना जरूरी है एक तो कौन एक आपकी एरियर गैस दूसरी कौन आपका जो सैंपल है उसके डिफरेंट कंपोनेंट वो गैसेस फेज में ही रहने चाहिए मीन सैंपल मिक्सचर गेट मस्ट वो वेपराइज वो वेपराइज हो जाना चाहिए यहाँ पे जब कॉलम के अंदर एंटर करता है इसलिए इसके बाहर हमने जैकेट लगा रखी है जो एक टेम्परेचर को मेनटेन करने के लिए लगा रखी होती है उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डिटेक्टर डिटेक्टर क्या होता है डिटेक्टर क्या काम करता है डिटेक्टर ये ये काम करता है कि और कनेक्टेड किससे डिटेक्टर इज साइमल्टेनियसली कनेक्टेड विद द कॉलम देखो डिटेक्टर एक साइड तो कॉलम से कनेक्टेड है और दूसरी साइड किससे कनेक्टेड है विद विद recorder, विद द द द एम्पलीफायर कलेक्टर तीन चीजों के साथ ये साइमल्टेनियसली कनेक्टेड रहता है क्योंकि इस टेक्निक के अंदर हमने डेफिनेशन में देखा था ना कि हम साइमल्टेनियसली सेपरेशन भी करते हैं डिटेक्शन भी करते हैं सेपरेशन भी होती रहती है कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर की और हम डिटेक्शन भी करते रहते हैं क्योंकि हमें सिग्नल दिखते रहेंगे क्रोमेटोग्राम के अंदर तो इस टेप से ये आपके गैस क्रोमेटोग्राफी जो थी इसके अंदर ऐसा काम किया जाता है सो दैट इज़ द प्रोसीजर ऑफ गैस कोलम क्रोमेटोग्राफी इसके बाद क्या होता है ये पार्ट हमने देख लिए सारे उसके बाद स्टेप्स क्या है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की हम इसको कैसे यूज करें कैसे टैकल करें इस इंस्ट्रूमेंट को तो सबसे पहले आप क्या करते हैं एंटर द प्योर कैरियर मोबाइल गैस इन द कोलम एंड रेट ऑफ कैरियर गैस हमें जो इसका रेट है जो इसका फ्लो है उसको जरूर एडजस्ट करना है उसका जो रेट है इट इट कैरियर गैस है कम्स आउट ऑफ़ कॉलम वेरी स्लो और वेरी फास्ट वो बहुत स्लो भी ना आए बहुत फास्ट भी ना हो लेकिन उसको प्रॉपर टाइम मिले कैरियर गैस को टू स्टे इन टू द कोलम सो दट इट कैन एफिशियंटली

कुछ ही सेकंड में तो उसको टाइम ही नहीं मिला प्रॉपर मोबाइल गैस को किसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए किसको डिजॉर्व करने के लिए चलानी है वो आपका कंपोनेंट सबसे पहले मूव करके पहुंचेगा डिटेक्टर तक एंड सो ऑन तो मींस इस चीज का ध्यान जरूर रखना है कि मोबाइल फेज को प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए टू स्टे इन टू द

डिटेक्ट कैसे करते हैं बाय क्रोमेटोग्राम तो सिर्फ और सिर्फ कैरियर तो क्या आएगा द इंस्ट्रूमेंट स्टैंडराइज टू जीरो करंट वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू कैरियर गैस सबसे पहले सिग्नल आएगा कैरियर गैस का फिर हम इंस्ट्रूमेंट को कर देंगे जीरो करंट विद रिस्पेक्ट टू द कैरियर गैस अब कोई सिग्नल नहीं आएगा तो अब इंस्ट्रूमेंट आपका स्टैंडराइज हो गया दैट इज द स्टेप नंबर वन तो आपने कैरियर गैस को पास किया उसके फ्लो को कंट्रोल किया ना वो फास्ट हो ना स्लो हो उसके बाद आपकी कैरियर गैस तो, डिटेक्टर तक तक डिटेक्टर पहुंची वहां पे उसका सिग्नल आया सिग्नल को हमने जीरो कर दिया और इसको कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट उसके बाद नेक्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे नाउ द सैंपल मिक्सचर इज इंजेक्टेड इन द इंजेक्टर एट ए हाई टेंपरेचर फॉर द वेपराइजेशन ऑफ द सैंपल ताकि जो सैंपल है वो भी वेपराइज फॉर्म के अंदर रहे उसके बाद क्या होगा नाउ इट एंटर इंटू द कॉलम वेयर द डिफरेंशियल माइग्रेशन ऑफ द कंपोनेंट The 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 differential movement of the component of of component component mixture mixture. occurs due to the competition, due to to competition, competition between the carrier gas and the liquid phase for holding the component of the mixture. जो आपका कोलंग है, कोलंग के अंदर जो स्टेशनरी फेज है वो आपके जो सैंपल ऑफ द कंपोनेंट को अपने पास रखना चाहता है उनको एब्जॉर्ब करना चाहता है अपने सर्फिस के ऊपर और जो मोबाइल फेज है वो उसको अपने साथ फ्लो करके ले जाना चाहती है मीन नाउ देर इज ए कम्पिटिशन यानी आपके कंपटीशन किसके बीच में चला मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के बीच में कि कौन आपके मोबाइल कौन जो सैंपल ऑफ द कंपोनेंट को स्ट्रांगली अपने पास रख पाएगा कौन अपने साथ फ्लो कर पाएगा तो इस स्टेप से जो कंपोनेंट स्ट्रांगली एड्सॉर्ब हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ द स्टेशनरी फेज वो सबसे बाद में मोबाइल फेज के साथ जाएगा और जो वीकली एड्सॉर्ब हो जाएगा द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर व्हिच विल बी वीकली एड्सॉर्ब्ड विल कम Out with the carrier gas and reach to the detector और वो detector तक पहुँच जाएगा सबसे पहले पहुँच जाएगा means the different the different component of the mixture comes out of the column with the carrier gas at the different interval of the time and reach to the detector or the recorder और वो detector और recorder तक भी पहुँच जाएंगे उनके signal one by one आएंगे उसके बाद क्या होगा जैसे ही जो component of the sample reaches to the detector the detector gives the signal

उट वो पूरी तरह से पूरा आ गया अब कोई और कम्पोनेंट आ नहीं रहा तो कैरियर गैस तो खैर लगातार आती ही रहेगी तो मीन्स सिग्नल क्या हो जाएगा जीरो सिग्नल अब नहीं आएगा मींसर सम टाइम द करंट बिकम अगेन मैक्सिमम मीन्स द अगेन द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द गैस इज सैपल कम्स आउट एमर्जिज आउट एलॉन्ग विदेस टू द डिटेक्टर एंड देट बीन अगेन एम्पलीफाइड और वो दोबारा से फिर एम्पलीफाई किया जाता है और उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है एंड एंड सो सो ऑन ऑन ये ये प्रोसेस प्रोसेस चलती चलती रहती zero, so on, चलती रहती अगेन द करंट बिकम जीरो लगातार है जितने भी सिग्नल आएंगे बार बार उससे हमें पता चलता है कि जो आपका मिक्सचर था उसके अंदर कितने कंपोनेंट है सैंपल है उसके अंदर कितने कंपोनेंट थे हम कंपोनेंट को डिटेक्ट डिटेक्ट भी कर पा रहे हैं और साइमल्टेलियसली वो हम सेपरेट भी करते जा रहे हैं तो आपने क्या देखा कि जो डिफरेंट कंपोनेंट जो थे वो मूव कर रहे थे विद अ डिफरेंट रेट विद अ डिफरेंट स्पीड विद कैरियर गैस जो आपके डिफरेंट कंपोनेंट थे सैंपल के वो क्या कर रहे थे दे आर मूविंग विद अ डिफरेंट रेट विद अ कैरियर गैस इसलिए तो हम उसको डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद डिटेक्ट कर पा रहे थे इसीलिए तो जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ऑफ द द मिक्सचर थे दे टेक टाइम टू आउट कॉलम कॉलम से बाहर निकलने में इस न्यूज को अलग अलग समय लग रहा है क्योंकि कोई तो स्टेशनरी फेज के ऊपर स्ट्रॉगली एड्जॉर्ब हो गया था कंपोनेंट और कोई वीकली एडजोर्ब हो गया था तो इसलिए दे कम्स आउट ऑफ द कॉलम एट द डिफरेंट इंटरवल ऑफ द टाइम And, the, and each of the component of the the component sample will give a corresponding signal. और वो अपना एक signal देगा जैसे ही आपका एक component डिटेक्टर तक पहुंचता है वो अपना सिग्नल देगा उसके बाद सिग्नल आना बंद फिर दूसरा component आएगा फिर अगेन सिग्नल आ जाएगा तो तभी तो हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि अलग अलग कंपोनेंट आने शुरू हो चुके हैं लेकिन कुछ केसेस के अंदर क्या होता है कि जो एम्पलीफायर इज कनेक्टेड विद इंटीग्रेटर उसको इंटीग्रेटर से भी कनेक्ट कर दिया जाता है जिससे हमें क्या पता चलता है जो पीक है जो सिग्नल है उसकी हाइट का पता चलता है मींस मोर द हाइट ऑफ द सिग्नल मींस मोर विल बी द अमाउंट ऑफ दैट कंपोनेंट इन द मिक्सचर मीन्स इन सम केसेस जो एम्पलीफायर कनेक्टेड विद और इंटीग्रेटर क्या करता है विच डिटेक्ट द अमाउंट ऑफ द कंपोनेंट एमर्जिंग आउट ऑफ द कॉलम अगर हम इंटीग्रेटर भी जोड़ देते हैं तो वो हमें जो सैंपल है उसकी अमाउंट के बारे में भी साइमल्टेनियस इंफॉर्मेशन दे देता है इसके बाद आप एक चीज का जरूर ध्यान देंगे कि देयर इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द चेंबर एंड द कोलेक्टर जब हम कोलेक्ट कर रहे हैं सैंपल को वहां के टेम्परेचर में और जो चेंबर था जहां पे हमारा कॉलम था वहां के टेम्परेचर में एक डिफरेंस हमेशा रहेगा क्योंकि कॉलम के अंदर तो हमें क्या किस फॉर्म में रखना था कैरियर गैस को और सैंपल को गैस इस फॉर्म के अंदर रखना था मीन जो कोलेक्टर है जो कोलेक्टर हम लास्ट में लेंगे इट इज ऑलवेज राउंडेड बाय द लिक्विड नाइट्रोजन टू कीप द कोलेक्टर एट ए वेरी लो टेम्परेचर जो कलेक्टर होता है वो क्या करते हैं कलेक्टर इज ऑलवेज साउंडेड ध्यान रखनी है. है उनको अलग 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 कंपोनेंट को जो हम सेपरेट करते हैं कहां पे करते हैं कलेक्टर के अंदर एंड कलेक्टर इज साउंडेड बाय द लिक्विड नाइट्रोजन इसलिए टू कीप द कलेक्टर एट ए वेरी लो टेम्परेचर उसके बाद जो कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर है उसके वो अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर आपके कन्वर्ट हो जाते हैं तो बाय सीइंग द सिग्नल इन द रिकॉर्डर वी चेंज द डिफरेंट कलेक्टर जब हम सिग्नल देखते हैं रिकॉर्डर में तो हमने एक कलेक्टर लगा दिया फिर सिग्नल आना बंद हो गया हमने उस कलेक्टर को हटाया कि वो कंपोनेंट तो निकल गया फिर हम दूसरा कलेक्टर लगा देते मींस वी चेंज द डिफरेंट कलेक्टर एंड सेपरेट एंड कलेक्ट ऑल द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर आफ्टर द रेगुलर इंटरवल ऑफ दैट टाइम जो सेपरेशन ऑफ द जो कंपोनेंट हमने की ये डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर भी इसको अफेक्ट करते हैं मीन द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स वो क्या द पार्टिकल साइज एंड द सरफेस एरिया के भी डिपेंड करती है उसके बाद फ्लो रेट ऑफ द कैरियर गैस मैंने बताया था ना कि कैरियर गैस का आपने फ्लो रेट थोड़ा कम ज्यादा कर दिया जो स्टैंडर्ड रेट है नॉर्मल रेट है उससे या तो कम कर दिया या ज्यादा कर दिया तो जो प्रोसेस आपकी गैस क्रोमेटोग्राफी की सेपरेशन की जो प्रोसेस है सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट का जो होना है वो इफेक्ट हो जाएगा वो एफिशियंटली नहीं हो पाएगा और ये किस बात पर भी डिपेंड करता है सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ये डिपेंड करता है स्टेशनरी फेज के नेचर के ऊपर आपने कौन सा स्टेशनरी फेज लिया है उसकी अमाउंट के ऊपर कितना आपने लिया है किस टाइप का लिया उसका नेचर क्या है दूसरा जो कॉलम की जो लेंथ है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है अगर आप कॉलम एक छोटे साइज का ले ले तो आपकी जो एफिशिएंसी है बड़ी वीक रहेगी अगर आप कॉलम के कई प्वाइल करवा दें मींस कॉलम की लेंथ बढ़ा दें तो प्रॉपर टाइम मिलेगा आपको जो मोबाइल फेज है उसको प्रॉपर टाइम मिलेगा इंटरेक्ट करने के लिए किसके साथ साथ सैंपल ऑफ द कंपोनेंट के तो आपकी साथी है गैस क्रोमेटोग्राफी की वो क्या हो जाएगी इंक्रीज देखो इसलिए आप ध्यान से देखें जो कॉलम है देखो उसकी हमने दिखा रखी है क्वॉलिंग किस लिए ताकि उसकी लेंथ बढ़ जाए उसका सर्फेस एरिया बढ़ जाए कॉलम का जो स्टेशनरी फेज है उसका सर्फेस एरिया बढ़ जाए जितनी लंबी लेंथ होगी उतना ही ज्यादा सर्फेस एरिया उतना ज्यादा प्रॉपर टाइम मिलेगा मोबाइल फेज को टू स्टे इन द कॉलम टू इंटरक्ट विदिफरेंट कम्पोन सैंपल और फिर का भी करना। अगर हमने जो कॉलम का टेम्परेचर जो चाहिए कम्पोनेट है वो भी आपके गैसेस फेज में ही रहे तो पर्टिकुलर हमें टेम्परेचर मेंटेन में रखना ही पड़ता है तो कॉलम टेम्परेचर अगर हमने चेंज कर दिया तो जो एफिशंसी है इस प्रोसेस की वो आपकी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है वो चेंज हो जाएगी एफिशिएंसी तो इसकी लिमिटेशन क्या है कॉलम क्रोमेटोग्राफी किसकी मेन लिमिटेशन ये है द ओनली लिमिटेशन ऑफ द गैस सीएस क्रोमेटोग्राफी गैस क्रोमेटोग्राफी गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज दैट ओनली दोस काइंड ऑफ द कंपाउंड कैन बी प्यूरीफाइड व्हिच कैन इजीली बी वोलेटलाइज्ड व्हिच कैन इजीली बी कनवर्टेड इनटू द गैसीय स्टेट एट द हाई टेंपरेचर आपने इंजेक्टर के थ्रू जो सैंपल डाला वो ऐसा सैंपल होना चाहिए एकदम वो, जो, जो तो एक वो, वो, एक वो गैस स्टेट के अंदर चला जाए अगर वो नहीं जा पाया तो हम हमारे लिए जो टेक्निक है कोई यूजफुल नहीं होगी ऐसे कंपोनेंट्स के लिए तो ये इसकी मेन लिमिटेशन है तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है एडवांटेज क्या है इंस्ट्रूमेंट बड़ा सिंपल है इट टेक्स वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन कम समय में ही हमारी क्रोमेटोग्राफी के द्वारा गैस क्रोमेटोग्राफी के द्वारा हम सैंपल ऑफ दी कंपोनेंट जो कंपोनेंट है सैंपल के अंदर उनको हम सेपरेट कर सकते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं इट ये बड़ी ही सेंसिटिव टेक्निक है अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर कम ज्यादा कर दिया तो प्रोसेस अफेक्टेड हो जाएगी जो कॉलम है उसके क्वाइलिंग का जो साइज है क्वाइलिंग का जो नंबर है वो कम ज्यादा कर दिया तो चेंज हो जाएगी इट इज ए वेरी हाईली सेंसिटिव टेक्निक कैन बी यूज फॉर क्वालिटेटिव और क्वान है तो ये भी बन जाती है, हमें ये भी पता चल जाता है कि जो सैंपल के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट थे उनकी अमाउंट कितनी है इट इज हाईलीट टेक्निक और ये बड़ी प्रीसाइज टेक्निक है प्रीसाइज का मतलब इसके अंदर गलती होने के चांस बहुत ही कम होते हैं मीन्स Precise का मतलब अगर हमने इस टेक्निक को एक बार यूज किया दूसरी बार यूज किया तीसरी बार यूज किया तो हमारे जो रिजल्ट आएंगे हर बार रिपीटेड रिजल्ट 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 आएंगे आएंगे सेम के अंदर चेंज नहीं होगा कि पहली बार जब हमने इस, इस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया विद सेम सैंपल तो हमारे रिजल्ट कुछ और आ गए अगली बार रिजल्ट कुछ और आ गए ऐसा नहीं होगा मींस रिपीटेड रिजल्ट को ही तो कहते हैं प्रीसीजन मीन्स ये एक प्रिसाइज टेक्निक है और एक्यूरेट टेक्निक भी है उट द गैस क्रोमेटोग्राफी गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी तो हमने अपनी जितनी भी जो क्रोमेटोग्राफी थी अब तक जो कंप्लीट कौन सी की सबसे पहले लेक्चर के अंदर हमने थीन लेयर और पेपर क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस किया था उससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने कॉलम क्रोमेटोग्राफी को किया और आज के लेक्चर में हमने गैसियस क्रोमेटोग्राफी को कैसे हैंडल किया जाता है उसके डिफरेंट पार्ट क्या है उसका प्रोसीजर क्या है उसको हैंडल करने का उसको हमने सीखा सो दैट इज ऑल अबाउट द गैसियस क्रोमेटोग्राफी थैंक यू